So guys, ये है Oreo और Oreo Labra है. इसका पूरा नाम क्या है Oreo? Oreo शेखावत. So guys, Oreo शेखावत अब बड़े होके Oreo शेखावत बड़े बन जाएंगे. तो भाई ये है Oreo और कितने का अभी? 5 months. So only 2.5 months का छोटा सा. और ये लोग कितने जाली में देख लो, इन्हें पट्टा बांध दिया अभी से. तो भाई अभी सुना और ये नीचे घुमाने लेके जा रहे थे इसलिए इसको यहाँ पे पट्टा बांध दिया. और पट्टा नहीं, लीश बोलते हैं इसको. और ये बहुत क्यूट है भाई, बहुत क्यूट है. एंड गाइस, अगर आपको Oreo को और ब्लॉग्स में देखना हो तो नीचे कमेंट करना, हम Oreo की और वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए. Oreo आएगा ना वीडियोस में? आएगा, आएगा Oreo. ओए राम जी, ओए राम जी, ओए भाई बहुत हाइपर एक्टिव. ओए राम, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले Oreo. आ जाओ Oreo, चलो Oreo, चलो आ जाओ, चलो Oreo आ जाओ. सो गाइस, यहाँ से Oreo उतर नहीं रहा, इसको डर लगता है थोड़ा सा उतरने में. Oreo आ जाओ, आ जाओ. नहीं आएगा, नहीं आएगा, उठा के लेके जाना पड़ेगा. अच्छा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, चल आ जाओ. Oreo नहीं जाना चाहता, आ जाओ Oreo, कम उठाओ उठाओ उठाओ, आ जाओ, चल आ जाओ. अरे आ जाओ, ओहो राम जी, चलो चलो अब चल. वेरी गुड वेरी गुड, चलो आ जाओ Oreo, आ जाओ. वेरी गुड भी तो लेना है. हाँ, दूध भी तो लेना है ना. तो घर पहुंच गया, कोई नहीं, भी ले लेंगे. सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ भाई, हम लोग जो है परसों आ रहे थे अपनी गाड़ी रिपेयर करवा के एक्सयूवी में, और रास्ते में जो है भाई पुलिस वालों की बैरिकेड लगी. सो गाइस, यहाँ से भाई जो है अपना स्टार्ट हो जाता है. अब गाड़ी एक बार चला के देखूंगा रास्ते में. खैर, अपनी बात करूँ मैं बलिनो की, तो बलिनो जो है एक्सयूवी चलाने लग रहा है. फिर दोनों गाड़ियाँ जो है साथ साथ में आई थी, उसमें भी थोड़ा बहुत जो काम था मेरे को था. एंड यहाँ से देख सकते हो उतर रही है. एंड अभी जो है हाई स्पीड में जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में भाई जो गाड़ी है उसके इंजन में कोई इशू इशू नहीं है. एसी वेसी जो है एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को एसी वेसी में भी या किसी चीज़ में. खैर, अब चलते हैं एक बार एंड लेट्स सी कि भाई क्या कुछ जो है गाड़ी कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही. तो एक बार जो है भगा के देखूंगा पहले तो गाड़ी को. जैसे हम लोग यहाँ से निकले थे तो उसके बाद जो है आगे पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए थे. एंड वहाँ पे जो है पुलिस वाले ने मेरे को रोका, तो यक्षु को पहले रोका बिकॉज वो मेरे से आगे था. उसके बाद भी उन लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी, तो हम दोनों ने जो अपनी गाड़ी साइड में लगाई. अब उसके आगे का एक बार आप सीन देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था और कैसे कुछ जो है हम लोग बचे थे. तो भाई यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया दोनों गाड़ियाँ अपनी, आपको दिख रहा होगा. और अगर दिख रहा हो मैं आपको दिखा दूँ कि भाई दोनों गाड़ियाँ जो पकड़ ली अपनी रैप के चक्कर में, लेट्स सी क्या कुछ होता है. दोनों खड़ी करती हैं, उनसे बात बात होगी नहीं होगी, जो भी होगा मैं बताता हूँ आपको जैसा भी होगा. और ठीक है, चलते हैं एक बार. अगर आज चलान कटा मेरे साथ चलान कटेगा, बिकॉज दीवानी में ऐसा ऐसा कोई भी वो नहीं है आपको कि बच सकते हो या जैसा कुछ होगा. बट वी डोंट नो उसके बारे में, इनसे बता देते हैं एक बार जैसे भी होगा. मतलब भाई देखो, अभी जो है जैसा भी लोग बोलेंगे मैं उसी हिसाब से करूँगा. अपनी दोनों गाड़ियाँ तो जो हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, इतनी खड़ी कर रखी है साइड में, कागज क्योंकि चेक करेंगे ये लोग. एल सी किसको मिला रहे हैं? अरे वहाँ लाइसेंस की फोटो मंगा रहे हैं. लाइसेंस मांग रहे हैं, कागज कागज मांगेंगे. हेलो, तो गाइस देखते हैं एक बार भाई. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों गाड़ियाँ जो है अपने पुलिस वालों ने पकड़ ली हैं, और अभी जो है छोड़ेंगे या वोड़ेंगे जैसा भी करते हैं. वी विल सी दैट. एंड अरे कौन सा इसकी आरसी? आरसी तो यही. अरे क्या दिखाना है? क्या करी? तो कोई नहीं, इसको निकाल के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. इसको तो ले जाऊंगा इसको. कितने का चलाने पता है? 5,000 रुपये का पोल्यूशन का. हाँ तभी तो मत कटवा वाले. 500 रुपये हमको कटने. कह रहा हूँ नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको. इससे बात कर रहे तो नहीं. यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों गाड़ियाँ जो रोक ली अपनी, एक बार चेक करियो गूगल पे. देख रखा है तो बता रहा हूँ. 5,000 रुपये मैंने खुद नहीं कि नई गाड़ी में कितने दिन का वैलिड होता है और कितने का नहीं होता, ये देखना एक बार. सो गाइस, अभी जो है सीन हो चुका है पूरा बड़े वाला. पुलिस वालों ने दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे रोक दी है. लेट्स सी भाई, वैसे तो लेट्स सी भाई, जो भी होता है पोल्यूशन मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है भाई वो नई गाड़ी पर नहीं देना होता, बट पूछ लेंगे जैसा भी होगा. को सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो PUC सर्टिफिकेट फॉर न्यू कार, जिसका मतलब है नई कार में जो अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो कितना वैलिड रहता है. यहाँ पे सिंपल अक्षरों में लिखा है कि व्हेन यू परचेज अ न्यू कार, अ PUC सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड फॉर इट एंड द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इज 1 ईयर, जिसका मतलब है कि एक साल के लिए वैलिड रहता है. फॉलोइंग दैट योर कार वुड नीड टू अंडरगो द PUC टेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड अ न्यू सर्टिफिकेट विल बी इशूड ईच टाइम. द वैलिडिटी ऑफ द न्यू सर्टिफिकेट इज यूजुअली 6 months. यानी कि मैं देखो बताता हूँ आपको कि सिंपल सी बात है, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको जो है भाई एक साल की वैलिडिटी मिलेगी अपने पॉल्यूशन की, आपको कोई पॉल्यूशन कराने की जरूरत
जरूरत नहीं है। और वहीं पे अगर भाई आप एक बार मतलब आपकी गाड़ी एक साल पुरानी हो जाती है तो उसके बाद आपको 6 महीने के इंटरवल्स में जो है पॉल्यूशन आपका करवाना रहेगा, यानी कि जैसे आपकी गाड़ी एक्सपायर हो जाता है पॉल्यूशन उसके बाद 6 महीने के लिए जो है वापस आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो ये कुछ रूल था जो मैंने पुलिस वालों को भी बताया एंड उनको भी चीज़ समझ आई कि भाई नई गाड़ी है, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है भाई वो अक्टूबर 2 को रजिस्टर हुई थी 2020 में, एक साल उसका अक्टूबर 2022 में होगा तो सॉरी 2021 में होगा। तो यहाँ पे जो है भाई ये सीन था पूरा। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस वाले थे पूरे खड़े थे और कम से कम 3-4 मिनट जो है गाड़ी रोकी थी। अब मुद्दा ये था कि भाई रैप पे मेरे को नहीं रोका गया था क्योंकि रैप नोटिस में नहीं आया जो भी वॉट एवर। सो गाइस अब मुद्दा ये था कि फिर रैप पे मेरे को रोका था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि डॉक्यूमेंट्स दो अपने सारे के सारे। मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, बलिनो के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे बट स्विफ्ट के डॉक्यूमेंट में एक कमी थी, वो थी इसका पॉल्यूशन। तो मैंने इतना बोला कि सर पॉल्यूशन जो है एक साल तक वैलिड रहता है अपनी जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसका, एंड डीजल जो गाड़ी होती है उसका अपना रहता है वैलिड 6 महीने तक। तो उस चीज़ पे वो लोग बोले कि एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद हम लोग आगे कंफर्म करेंगे कि भाई तू सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, एंड ऐसा ही कुछ हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने चेक करा और मेरे को छोड़ दिया। सो गाइस बस ये बताना चाहता हूँ कि भाई इनकेस अगर आपको कभी आपके पास नई गाड़ी है या कुछ हो तो आपको अपने रूल्स पता रहने चाहिए। आजकल ऑनलाइन गूगल पे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या रूल्स हैं क्या क्या हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके जो है बता सकते हैं कि हमें मुझे पता है ये चीज़। और अगर वहीं पर मेरा चालान कटता तो भाई 5,000 रुपये का जो है चालान कट जाता मोटा मोटा सीधे पॉल्यूशन का, बट चूंकि मेरी गाड़ी अभी एक साल भी नहीं हुआ है इस गाड़ी को तो वहाँ पे जो है मेरे को 1 रुपये भी नहीं देने पड़े, एंड पॉल्यूशन मैंने अभी रखा नहीं है। एक साल जैसे ही होंगे खत्म तो उस टाइम जो है मैं पॉल्यूशन करा लूँ अपनी गाड़ी का। तो भाई ये कुछ स्टोरी थी अपनी। और अभी जो है गाड़ी भाई मैं गुड़गांव में हूँ हाल फिलहाल, चिराग के साथ। कैसे चिराग? बस बढ़िया। तेरे को पता था ये रूल? नहीं आज ही पता लगा है ना। तो गाइस बहुत से भाइयों को नहीं पता कि नई गाड़ी जो होती है उसमें 6 महीने तक फॉर डीजल। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पुलिस वाले भाई हैं, तो ऐसे ही भाई जो थे उन्होंने दो एक ने रोका था मेरे को। खैर हमें बताता हूँ, हमें आपको बता रहा था कि 6 महीने जो है फॉर डीजल एंड 1 साल जो है फॉर पेट्रोल। तो कभी भी आपको कोई पकड़े या ऐसा कुछ बोले तो यू कैन से कि भैया हमें जो है अपनी गाड़ी नहीं है, या फिर कोई भी मतलब मेरा मेन वीडियो बनाने का ये पर्पज था कि भाई आपको अपने सारे रूल्स जो है पता होने चाहिए आप जब गाड़ी चलाते हैं, बिकॉज कई बार जो है आप रूल्स बता देते हैं तो मे बी यू नहीं कि भाई देखो कई बार होता है पुलिस वालों को भी नहीं पता होता क्योंकि नए नए रूल्स आते रहते हैं, तो उनका भी कसूर नहीं है। तो मैंने जो है क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कराया और उसके बाद जो है मेरी गाड़ी छोड़ गई। और भाई ये रही नई महिंद्रा, मस्त लग रही है ना, देख रहे जबरदस्त लग रही है भाई, बहुत जबरदस्त है भाई। तो महिंद्रा थार पे भी मन आया हुआ है पूरा का पूरा। खैर जो भी होगा नई गाड़ी जैसी भी होगी वो तो आप लोगों को पता चली जाएगा बाद में।